नमस्कार, साहस समाचार टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा धीर। आइए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की तरफ। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी चिकला में अंबाजी मंदिर में किए दर्शन। दो दिवसीय गुजरात दौरे पर पीएम मोदी गांधीनगर स्थित राजभवन में करेंगे बैठक। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से झटका, जमानत याचिका हुई खारिज। मनीष सिसोदिया की जमानत रद्द होने पर बोली आप नेता आतिशी, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असहमत। महाराष्ट्र साइबर सेल ने डिजिटल पायरेसी के मामले में रैपर बादशाह से की पूछताछ। गाजियाबाद में बीटेक की छात्रा से लूट करने वाला दूसरा बदमाश मुठभेड़ में ढेर। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल के खिलाफ पाटन सीट से चुनाव लड़ेंगे अमित जोशी। बेंगलुरु के वीरभद्र नगर में लगी भीषण आग, करीब 10 बसें जली। आंध्र प्रदेश ट्रेन हादसा में मरने वालों की संख्या 14 हुई, सीएम जगन मोहन रेड्डी करेंगे घटना स्थल का दौरा। यूपी के बदायूं में स्कूल बस हादसा, 4 बच्चों सहित 5 की हुई मौत। अखिलेश यादव बोले जल्दी ही मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू करूंगा। केरल विस्फोट में आईईडी के साथ साथ पेट्रोल का भी किया गया इस्तेमाल। केरल ब्लास्ट में सीएम पिनाराई विजयन ने घटनास्थल का मुआयना किया। गाजा में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 8,005 हुआ, वहीं इजराइल में अब तक 1,400 लोगों की गई जान। खबरों में फिलहाल इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें साहस समाचार टीवी के साथ। नमस्कार।